खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती मंडल में तकरीबन 66,000 एमटी गेहूं का भंडारण अभी नहीं हो सका है। अगर समय से गोदामों का इंतजाम नहीं किया गया तो अरबों रुपए का गेहूं बर्बाद हो जाएगा। इस वर्ष 2021 में बस्ती मंडल में कुल 2,11,059 एमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें सबसे अधिक सिद्धार्थनगर में 84,249 एमटी, बस्ती में 82,096 एमटी, संत कबीर नगर में 44,813 एमटी गेहूं खरीदा गया है, जबकि सिद्धार्थनगर में तकरीबन 30,000, बस्ती में 23,000 व संत कबीर नगर में लगभग 13,000 एमटी गेहूं गोदाम से बाहर पड़ा हुआ है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा के संयोजन में गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और दक्षिण दरवाजा स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर धरना देकर सरकार को आईना दिखाया कि क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार से जब गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीद न किए जाने की शिकायत की तो सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। इसी सच्चाई का पता करने के लिए जब कांग्रेस पदाधिकारी जनपद के अनेक क्रय केंद्रों पर पहुंचे तो पता चला कि अधिकांश गेहूं क्रय केंद्र बंद पड़े हैं और 15 जून से ही गेहूं की खरीद ठप है, जबकि प्रदेश सरकार ने 22 जून तक गेहूं खरीद की घोषणा की थी। अंकुर वर्मा ने कहा कि किसान चौतरफा मार झेल रहा है, सरकार का दावा झूठा है। तीनों जिले के डीएम समेत खरीद से जुड़े अधिकारी गोदामों की तलाश में निजी मिलों व प्राइवेट गोदामों की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है। मंडल में इतनी भारी मात्रा में बरसात में गेहूं का पड़ा रहना प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। बस्ती मंडल के संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी राजीव मिश्र ने बताया कि सभी जिलों के गोदाम फुल हो चुके हैं, प्राइवेट व अन्य गोदामों का इंतजाम किया जा रहा है। खाद्यान्न का अनाज अब उठने लगा है, जल्द ही भंडारण का इंतजाम कर लिया जाएगा। कितनी खरीद हुई है और जो अवशेष है गेहूँ वो कहाँ रखे गए हैं? बस्ती संभाग में अभी तक कुल 1,62,961 एमटी खरीद हो चुकी है, जिसके सापेक्ष हम लोग जो है 1,10,000 मीट्रिक टन प्रदान कर चुके हैं, जो कुल खरीद का 67% है। और अन्य जो हमारे शेष गेहूँ केंद्रों पर है जो उपलब्ध सूचना हमारे पास है, गेहूँ सुरक्षित है और हम जैसे जैसे जगह मिलती जा रही है और हमारे पास जगह भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम भंडारा कराते जा रहे हैं और हमारी खरीद 15 जून तक चलेगी, जिसमें किसानों का गेहूं करेंगे। किसानों को भी अनाज खरीदे नहीं गए हैं तो वो परेशान है, भटक रहे हैं, ऐसे में उनके लिए क्या टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, वहाँ पे जाकर किसान गेहूँ बेच सकते हैं, जब भी अगर शिकायत आते तो हम उसकी जांच करा के निशान कराते हैं, इस तरह की कोई समस्या इस तरह की नहीं है, अगर है तो हम उसका समाधान कराएंगे। सर एक सवाल और था, कितने पूरे मंडल में या आप जिले कहीं में बता दीजिए कितने जो अनाज खरीदे गए जो वो गोदामों में अभी नहीं पहुंचे हैं, सेंटरों पर डंप है? अब जो जनपद आप जाना चाहोगे, हमारे 60,700 उनकी खरीद बस्ती हुई है, जिससे 42,486 उनकी हम कर चुके हैं समाधान जी, और सिद्धार्थनगर में 33,111 एमटी खरीद हुई है, सॉरी संत कबीर नगर में जिसमें 24,272 हम समाधान कर चुके हैं, और सिद्धार्थनगर में 69,149 एमटी खरीदे हैं, 45,688 का समाधान कर चुके हैं। बाकी जो सर बताया आपको टोकन पर हमारे है केंद्र डंप है, उसको भेज रहे हैं, तो प्रक्रिया खरीद जो लगातार जाता रहता है हमारा एफसीआई में, उत्तर भी नहीं है, जगह का थोड़ा कमी था तो हम लोग लगातार एफसीआई से बात करते हैं और डीएम साहब के आह्वान से जगह लेकर एक्स्ट्रा उसको भंडार कराया जाता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगर सभी ब्लॉकों अथवा तहसील स्तर पर गोदाम स्थापित कर दिए जाएं और गेहूं के भंडारण का इंतजाम वहीं स्थानीय स्तर पर कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए के होने वाले अनावश्यक परिवहन व्यय को समाप्त किया जा सकता है, जबकि हो रहा है ठीक इसके उलट। पहले गेहूं खरीदा जाता है और जिला अथवा मंडल मुख्यालय के गोदामों पर लाकर डंप किया जाता है, फिर दोबारा उसी अनाज को वितरण के लिए ब्लॉकों पर पहुंचाया जाता है। इसमें परिवहन की दर 65 रुपए प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है, इसलिए दोबारा उसी अनाज को फिर ब्लॉकों पर पहुंचाना सिर्फ एक बहुत बड़ी खर्चीली प्रक्रिया मानी जाती है, जबकि अगर ब्लॉकों में गोदाम स्थापित कर अनाज का भंडारण कर दिया जाए तो परिवहन पर इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।